दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप एक नया घर बनवा रहे हैं और आपको ये आइडिया नहीं कि अपने घर में कितनी ईंटें लगने वाली हैं, तो आज को मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपके मकान में कितनी ईंटें लगेंगी। बस आपको अपने जो भी दीवार बनेगी उसकी लंबाई और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर सपोज दैट आपका 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और आप उसे पूरा बनवाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ ईंट्स ईंट कितनी लगने वाली है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइंड कर सकते हैं आप घर बैठे, आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताएंगे, इस पर घर बैठे आप निकाल पाएंगे कि आपके घर में, आपके मकान में कितनी ईंटें लगने वाली हैं। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं ले चलूंगा दोस्तों आपको smallhouseplan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप आइएगा, मैंने एक पोस्ट लिखा है 1000 स्क्वायर फीट में कितनी ईंट लगती है फॉर्मूला। तो आप जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे आपको ये मिलेगा पोस्ट, मैं इसका डायरेक्ट लिंक दूंगा। इस पर क्लिक करते ही आपको यहां पर पूरा डिटेल दिखेगा, तो आप देख लीजिए मैंने यहां पर जो फॉर्मूला बताया है। आपको सबसे पहले दीवार का जो क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा। सपोज तो सबसे पहले अपने दीवार का आपको लंबाई और ऊंचाई पता होना चाहिए। जैसे अगर आप 10 बाई 10 की दीवार बना रहे हैं, सपोज दैट 10 फीट लंबी है और 10 फीट ऊंची है, अगर मोटाई की बात करें 4 इंच वाली दीवार बना रहे हैं, तो कितना ईंट लगेगा। तो यहाँ पर एक स्क्वायर फीट में लगभग 4.5 ईंट लगती है दोस्तों। तो 10 बाई 10 की दीवार बनाएंगे अगर आप, तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है। सपोज दैट आपको दीवार बनानी है 10 बाई 10 की, मतलब 10 फीट आपको उस दीवार की लंबाई है और 10 फीट ही ऊंचाई है, तो आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। अब यहां पर मैं 4 इंच वाली वॉल की बात कर रहा हूं। अगर आप 4 इंच की वॉल बना रहे हैं एक सिंगल ईंट वाली, तो यहां पर 100 स्क्वायर फीट एरिया बना पर स्क्वायर फीट। दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका जो ईंट लगता है 100 का मल्टीप्लाई आपको करना है 4.5, एक स्क्वायर फीट में 4.5 ईंट लगती है, तो 100 में 450, तो 10 बाई 10 की दीवार बनाने में आपको 450 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये दोस्तों विदाउट प्लास्टर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अगर इस दीवार में प्लास्टर किया जाए तब ईंटें कितनी लगेगी, क्योंकि प्लास्टर पे थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है। तो ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिना आपके प्लास्टर की। अब अगर आप जब दीवार चुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका मटेरियल और लगता है। कि मैंने अगर डायरेक्ट आप बिना प्लास्टर के, बिना मतलब कि मसाले के आप दीवार बनाएंगे, तब आपकी 450 ईंट लगेंगी, लेकिन उसमें मसाला भी आपका इंक्लूड होता है जब जिससे चिपकाया जाता है ईंट, तो उसके लिए आपको उसे रिड्यूस करना होगा। तो लगभग उसका मेथड मैंने यहाँ नीचे बता रखा है कि मसाले वाली जब आप जो चुनाई करेंगे, तो मसाले के साथ जब चुनाई करेंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, तो आपकी ईंटें थोड़ी सी कम लगेंगी। तो ये पूरा फॉर्मूला वगैरह मैंने यहाँ पर बता रखे हैं। एक बोरी सीमेंट में कितनी ईंटें लगती हैं ये भी बता रखा है। अगर एक बोरी सीमेंट आप है तो आप उसमें कितनी चुनाई कर पाएंगे, सारा डिटेल यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। और अगर आपका सपोज 1000 स्क्वायर फीट की मैंने बात की थी दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट आपके घर का एरिया है, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि आपके यहाँ दीवारें कितनी बन रही हैं, आपकी दीवार कितनी लंबी है। सपोज आपकी 10 बाई 10 की 4 दीवारें हैं, 20 बाई 10 की 4 दीवारें हैं, तो सबका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद अगर सबका सपोज 1000 स्क्वायर फीट एरिया बनता है, तो आपको उसमें 4.5 से मल्टीप्लाई करा देना है और नंबर ऑफ ईंट्स आपकी 4500 यहां पर निकल कर आ जाएंगी जो आपकी लगने वाली है। तो ये पूरा एक अपडेट था जी। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। जब भी आप घर बनवाने जाइएगा तो आपको नंबर ऑफ ईंट पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ईंट अपने घर पर डला सकते हैं और इसके बाद अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए स्मॉल हाउस प्लान पर लाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी आप हमें से कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहाँ कॉन्टेक्ट करें। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।